साहिबा किरत को फोन करके पूछती है कि क्या सीरत मिल गई, और जब वो बोलती है कि माँ के खातिर वो सीरत की जगह लेने जा रही है दुल्हन बनने, किरत लाख मना करती है कि साहिबा ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर अंगद को सच पता चल जाएगा कि सीरत नहीं बल्कि साहिबा है दुल्हन के लिबास में, तो वो साहिबा को जिंदगी भर सिर्फ जलील करेगा और कुछ नहीं। पर साहिबा को तो इतना दबाव पड़ता है माँ का कि माँ तो बोलती है कि वो अपनी जान ही दे देगी अगर साहिबा ने मोर्चा नहीं संभाला, कि अब साहिबा किरत का फोन कट कर देती है और आखिर फैसला लेती है कि एक बार फिर माँ के खातिर इतना बड़ा कदम उठाएगी। पर किरत जो सीरत को ढूंढने निकली है वो तो ऑटो में पीछा करते करते गैरी की कार के पीछे से सीरत को देख लेती है और ऑटो से कूदकर सीधे कार की ओर बढ़ती है सीरत को रोकने, और सीरत भी किरत को देख लेती है और अब वो तो डर जाती है कि अगर किरत ने उसे पकड़ लिया तो वो नहीं बच पाएगी। और गैरी तो अपने मुंह पर एक रुमाल बांध लेता है ताकि उसे कोई नहीं पहचाने, खास करके किरत, क्योंकि अभी तक तो उसे ये भी नहीं पता था कि किरत तो सीरत की ही बहन है। अब गैरी जो सिर्फ अंगद की बर्बादी करने के लिए सीरत के साथ प्यार का नाटक किया था, वो तो सीरत के कहने पर भी गुरुद्वारा में शादी करने के लिए नहीं राजी है और बस सीरत को एकदम से छोड़ देता है बीच रास्ते में उसकी सारी गहने और कपड़े लेकर। पर क्या सीरत हार मानेगी जब अब उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, और क्या उसे रियलाइज होगा कि उसकी वजह से साहिबा को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ परिवार की इज्जत के खातिर। अब सीरत क्या गैरी से हार मानेगी या फिर गैरी की पत्नी की तरह बनकर वापस जाएगी ब्रार फैमिली में? देखते रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट्स बॉलीवुड एंड ग्लैमर पे, जब जसलीन को पता चलेगा कि आखिर गैरी ने ही कैसे सीरत को झांसा देकर और भगा ले गया था। तो क्या जसलीन सीरत को स्वीकार करेगी? देखना दिलचस्प होगा।